के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप विंडो 11 कैसे आप लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं 21 का। और बहुत बेस्ट तरीका से ऑपरेटिंग सिस्टम बेटर है ये, और जो भी चलाता होगा शायद आप जाएगा मार्केट वगैरह में विंडो 11 के लिए तो बहुत पैसा मांगेगा, विंडो 11 फॉर्मेटिंग के लिए बहुत पैसा मांगेगा। बट आप ये वीडियो देख के आप खुद से डाउनलोड करके आप चला सकते हैं। ये फाइल आप डाउनलोड करेगा तो नहीं आपको कोई पैसा मांगेगा, नहीं कोई लाइसेंस वाइसेंस सब आपको फ्री मांगेगा सर। देखिए सिर्फ आपको ए राइटिंग करना है, जो मैं राइटिंग करके दे रहा हूँ ये आपको राइटिंग करना है। गूगल में आपको क्राइम ब्राउजर में बोलूँगा, इसमें लिखा गूगल क्राइम में, ये जाने के बाद अब इधर से इसका सर्च करिए। सर्च करने के बाद आपको देखिए सर्च करिए, उसमें सर्च करेगा तो ये फाइल आएगा। आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ऑफलाइन है, इधर ऑफ है, ओके ये फाइल आप डाउनलोड करिए। ओके ये वाला ऐसे जैसे आप डाउनलोड करेगा तो इधर से एक टूल डाउनलोड होगा। अभी वो विंडो नहीं डाउनलोड हो रहा है, ओके आप कंफ्यूजन में नहीं रहेगा कि अभी विंडो डाउनलोड हो रहा है हमारा, नहीं नहीं ये सिर्फ टूल अभी डाउनलोड हो रहा है जो मीडिया फाइल है। इधर से आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इस तरह से डाउनलोड करेगा तो आपको इस तरह से डाउनलोडिंग मिलेगा, तो ये टूल्स का। तो इधर से आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करने का। अब बेटर तरीका से समझिए कि इस पर आपको क्लिक करने का, जैसे बाकी जो आ रहा है उसका आप कैंसिल कर दीजिए, जैसे उसका ज़रूरत नहीं है आपको ये तो। और आपको फ़ायदा होने वाला कि आप 1000-2000 रुपया, 500 रुपया, 50 रुपया आप किसी के फालतू में दे के आ रहे हैं तो आपको ले वो अच्छा नहीं है, जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ आपको अपने। तो इस तरह से आप मीडिया टूल्स आपको डाउनलोड होकर इस तरह से देखेगा, इस तरह से आएगा, इस पर राइट क्लिक करिए, रन कर दीजिए। ओके गाइस, रन करने के बाद में इस तरह से आपको सामने में कुछ फाइल खुल के आएगा। ये फाइल का अब सही सही प्रोसीजर आप फॉलो करेगा तो बेटर रहेगा मेरा हिसाब से। ओके तो जैसे आप ओपन करेगा तो कुछ स्टेप को आपको इंटरफेस मिलेगा, शो करेगा, पढ़ सकते इसमें क्या क्या है स्टेप बाय स्टेप। फिलहाल मैं बोलूँगा आपको चलिए सब छोड़िए, सबको आप बारे में आपको मालूम होगा। इधर से आप इसका एक्सेप्ट करिए। ओके आई एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करने के बाद कुछ स्टेप का ऑप्शन आएगा आपके पास, सही है। इस टाइप का ऑप्शन आएगा तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। अब देख सकते हैं इस टाइप का ऑप्शन आएगा, इधर से आप टिक हटाएगा तो इसमें कौन कौन विंडो है वो देखने पड़ेगा। तो विंडो 11 है, लैंग्वेज वगैरह इधर से आप चेंज कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज में चाहिए। तो मैं इंग्लिश में इसका लेना चाहूँगा तो इसे एडिट करके सिलेक्शन, इधर से नेक्स्ट करने का ऑप्शन है। ओके नेक्स्ट करने के बाद इसमें एक और रीजन है, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल सही से देखिए, कोई इधर उधर नहीं करेगा। और आपको जब USB ड्राइव फ्लैश करना है तभी फ्लैश हो जाएगा। तो इसमें 8GB का USB रिक्वायरमेंट है इसका, तो आपको 16GB चाहिए। 8GB ऑलरेडी ऑलमोस्ट चाहिए इसका लिए फ्लैश होने के लिए। तो आप कभी भी आप करेगा तो आप कभी भी ISO फाइल करिए। ISO फाइल क्या होता है इसका आप फुल जानकारी ले लीजिए। ISO फाइल डाउनलोड करेगा तो आप कभी भी 2 साल 4 साल 5 साल चाहे 6 महीना ISO फाइल कभी डिलीट नहीं होएगा। और इसमें से आप कितना भी 100, 50, 200, 400 कितना USB और DVD राइट कर सकते हैं ISO फाइल से। तो गाइस मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आप मेरा वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ गाइस ये को लाइक तो बनता है और वीडियो को शेयर तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको मेरा हिसाब के वीडियो जो मैं बताया जो प्रोसीजर दिखाया इसमें कोई फेक तो नहीं लग रहा है आपको, इसी तरह से काम होगा। इसका लिंक भी मैं दे दूँगा वीडियो के नीचे में, उधर से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, सही है। तो इसके बाद ISO फाइल में क्लिक करिए। ISO फाइल क्लिक करने के बाद जैसे से नेक्स्ट करिए, आपको लोकेशन चूज करना है। तो मैं फिलहाल मैं डेस्कटॉप पर दे देता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए, बट आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि डेस्कटॉप पर नहीं डाल के सी ड्राइव में नहीं डाल के आप डी ड्राइव में कहीं भी डाल सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पर डाल दिया, डेस्कटॉप पर डाल के मैं एक फोल्डर न्यू फोल्डर नाम के ऐप है मेरे पास, न्यू फोल्डर है, सही है। उसमें जाके मैं इसका इधर से ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद विंडो सेव कर देता हूँ। इस तरह से 0 से लेके 100 तक चलेगा, ये 100 कंप्लीट होएगा इसके बाद में आप कंप्लीट करने का, इसका इससे पहले नहीं कंप्लीट करने का। ओके तो देख सकते हैं हमारा पास 4% हो गया ऑलरेडी, ये 100% तक चलना चाहिए। ओके तो देख सकते हैं ऑलरेडी 54% हो गया, ये पूरा 100% होना है आपको। ओके 100% होएगा तभी तक आपको, जैसे 100% कंप्लीट होगा तो कुछ इस टाइप का फाइल आपको नजर आएगा बाद में। इधर से ये सर्चिंग हो जाएगा मिनट ट्रैप, इधर से आपको
अपना फोल्डर में जाना है, सही है। फोल्डर में जाने के बाद आप ओपन करना है वो फोल्डर का जहाँ से आप फाइल सेव किया है। तो फाइल सेव करेगा तो इस टाइप को आपको देखने को मिलेगा। तो मैं अभी 32 बिट्स में किया था तो इसमें देख रहे हैं मेरा विंडो हो गया डाउनलोड। तो इस तरह से आपको हो जाएगा। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।